वत्सः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वारकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षिरमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबे गहरे श्वास। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, बच्चे हैं आप लोग तो आप तो वेग पूर्वक भी कर सकते हैं, तो लंबे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे और लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, ये तीन प्राणायाम जो करेंगे उनकी इम्यूनिटी, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि किसी भी प्रकार के कोरोना का उनके ऊपर असर नहीं होगा। कोरोना नहीं, कोई भी डिजीज का जिसकी इम्यूनिटी हाई होती है, जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है और जिसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होती है, उसके ऊपर कोई व्याधि का असर नहीं होता। चाहे वो जेनेटिक डिजीज़ हों, बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ हों, चाहे वो पोल्यूशन से होने वाले डिजीज़ हों, तो ये तो बच्चों वाली स्टाइल है, मीन्स जवानों वाली। अब जिनको ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनको कमजोरी हो, हर्निया हो, उनको तो ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन जो जवान हैं, बच्चे हैं, वो ऐसे मैं से लगभग 5 मिनट लंबे गहरे तीव्र श्वास उच्छ्वास की क्रिया करता हूं। माने श्वास लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है ना। क्या इन्वॉल्व होता है बोला? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। क्या इन्वॉल्व होता है? श्वसन तंत्र की भागीदारी होती है श्वासों में, थोड़ा बहुत फेफड़ों के साथ साथ। एक जैसे श्वास प्रश्वास की गति होगी तो उसमें जितनी आवश्यक है उतनी हलचल भी शरीर में होती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कर लेने से हमारे शरीर में 10 गुना तो ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ जाता है, कम से कम 10 से 20 गुना। कितना? 10 से 20 गुना। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन का हम इनटेक करते हैं और डीप ब्रीदिंग में 5 से 10 हज़ार ml ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ गया। तो 10 से 20 गुना ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ गया।
दूसरी बड़ी बात, इससे पूरे विश्व में अब शरीर पर बहुत शोध हो रहे हैं, शरीर पर, मन पर, हमारे चित्त चेतना पर, हमारी कॉन्शियस पर बहुत रिसर्च हो रहे हैं। तो उसमें एक मुख्य रिसर्च ये हुआ है कि लो ऑक्सीजन सप्लाई से सब बीमारियां होती हैं। अब ये लेटेस्ट रिसर्च है, पहले बोलते थे स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फिर उसके साथ पोल्यूशन, फिर ये बैक्टीरिया वायरस, फिर जेनेटिक डिजीज, ऐसे एक एक करके 15-20 मुख्य कारण होते हैं किसी भी बीमारी से, डिजीज से डिजीज, ड्रग से डिजीज, फिर स्ट्रेस से और कई तरह के अव्यवस्थित जीवन शैली से, इनडिसिप्लिन लाइफ से कई तरह की बीमारियां होती है। अब सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकला कि क्या बोला मैंने, इधर देखो क्या बोला, लो ऑक्सीजन सप्लाई से सब बीमारियां होती। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन इसी से ही संसार में सारे रोग हो रहे हैं, मुख्य कारण ये। फिर इसके बाद में अव्यवस्थित जीवन शैली, योग, अध्यात्म, हमारी भारतीय संस्कृति या गुरुकुलीय जीवन शैली क्या है, व्यवस्थित जीवन शैली, सुबह लगभग 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक एक डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासित जीवन हम जीते हैं। भस्त्रिका के बाद कपाल भाती करते हैं, अब लगातार करना है, इसको रोकना नहीं है, लगातार पंद्रह मिनट तक कीजिए। आप गुरुकुल वालों को तो 15 मिनट करने की आदत होनी चाहिए, और योगाभ्यास करते समय पूरा चित्त किसमें लगाना, योग में। कुछ अभी इधर उधर देख रहे हैं, अब ये फोटो खींचने आए तो इसको खींचने दो, फोटो खींचने वाले का काम है, इसको आप क्यों देखते हैं, कोई दूसरा कोई तीसरा काम कर रहा है, कोई शूटिंग कर रहा है, तो उनका काम है, हमारा जो काम है हमें उस पर ध्यान दे रहे। संसार में लाखों नहीं करोड़ों अरबों जीव है, मनुष्य और मनुष्यतर, और ये पूरा अस्तित्व अपना अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है। तो इसको आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, ऐसे कोई विशेष परिस्थिति हो, कहीं समूह में है, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं। तो लय के साथ कीजिए, मुख बंद और मेरुदंड सीधा, लगातार निरंतरता के साथ आपको एक कपाल भाती करना है इसे। और करते हुए आज धुंध भी अच्छी छा गई है, जब हम भोर में उठे थे तब थोड़ी थोड़ी थी, जब चले तो बढ़ी, और यहाँ गुरुकुल में पहुँचते पहुँचते ही अब ऐसी छा गई है कि 200 मीटर दूर दिख ही नहीं रहा। तो प्रकृति सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बादल अपना काम कर रहे हैं, मेघ अपना काम कर रहे हैं, सूरज अपना काम करेगा, अभी आएगा इस सारी धुंध को उड़ा देगा, धरती अपना काम कर रही है, पेड़ पौधे अपना काम कर रहे हैं, सब जीव जगत अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, तो हम अपना कार्य करते हैं। इसलिए मैं 3 चीज़ों को सबसे अधिक बोलता हूँ जीवन के अंदर, यदि आपको आगे बढ़ना है, जीवन जिसके लिए जीवन है, जीवन का जो प्रयोजन है, द पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे बड़ी उपयोगिता किसमें है, जीवन का उपयोग किसमें है, जीवन का प्रयोजन किसमें है, लय के साथ करते रहो। कुछ तो बीच में बंद कर देते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है, निरंतरता के साथ करने का हमारा अभ्यास होना चाहिए। विद्यार्थी युवा वर्ग ऐसे कर सकता है तीव्रता से।
करते रहिए निरंतर, कोई बीच में रुके नहीं। थोड़ी देर आंखें बंद करके कीजिए, सभी आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और आंखें बंद करके श्वासों पर मन को टिका करके अंतर्मुखी हो करके ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन बुद्धि चित्त चेतना कॉन्शियस हमारी, ये सब हमारे साधन हैं और इनके द्वारा हमें अपना साध्य पाना है। साध्य है हमारा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, और उस आत्मा का भी आधार परमात्मा, उसको जानना और उस परमात्मा को पूरी तरह से अपने भीतर अभिव्यक्त करना, उसको जगाना, उसको प्रकट करना, स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना और फिर अपने सामर्थ्य को सही काम में लगाना, ये तीन बड़े प्रयोजन हैं जीवन के। आंखें बंद करेंगे सभी, सीधे बैठेंगे और लय के साथ करेंगे, ऐसा अपना स्वभाव बनाएंगे। योग ही, अध्यात्म ही हमारा मूल स्वभाव है और इसलिए मैंने कहा योग और यज्ञमयी है यह हमारे संस्कृति, जिसको हम वेदा संस्कृति कहते हैं, वैदिक संस्कृति कहते हैं, ऋषि संस्कृति कहते हैं, सनातन आर्य हिंदू वैदिक संस्कृति योगमयी है, यज्ञमयी है। योग हमारा मूल स्वभाव है और हमारा ही नहीं, इस भारत का मूल स्वभाव, इस भारत की मूल प्रकृति और संस्कृति योगी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं योगमय आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व, यही हमारा संकल्प है और इसी से इस संसार का उपकार होगा, पूरी तरह से भला होगा, सबको सब प्रकार का सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, सब प्रकार का सौभाग्य योग और यज्ञ के द्वारा ही संसार में आएगा। तो ऐसे 15 मिनट करने का अभ्यास होना चाहिए आपका, बीच में विराम नहीं, विश्राम नहीं। सफलता की कई बातें मैं बताता हूं कि सफलता का ये साधन है, सक्सेस का ये मंत्र है, ये उपाय है, उसमें एक उपाय है, सातत्य ही सफलता है। क्या बोला, बोलो, सातत्य ही सफलता है। निरंतरता से योग करना, यज्ञ करना, विद्याभ्यास से, योगाभ्यास से, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास से, तीन साधन ये भी हैं। बोलो, विद्याभ्यास, योगाभ्यास, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, इसको यदि हम आम आदमी के शब्दों में बोले जो बहुत अच्छे से समझ पाता है, नॉलेज गेन करना, नॉलेज का ही विस्तार होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च, ज्ञान का ही विस्तार विज्ञान है, अनुसंधान है। क्या बोला, ज्ञान का ही विस्तार क्या है, ज्ञान का विस्तार ही विज्ञान है, अनुसंधान है, नए नए आविष्कार है, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन और उनके द्वारा प्रॉस्पेरिटी पाना, ये क्रम है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नॉलेज, दिस इज द रिजल्ट ऑफ नॉलेज। तो एक बात मैंने बताई, ज्ञान, ज्ञान अर्जित करो, नॉलेजफुल बनो, इनोवेटिव बनो, स्किलफुल बनो, ये ज्ञान से कुशलता ही आएंगे हमारे भीतर, हम नए नए अनुसंधान करने में समर्थ हो पाएंगे, हम नई नई तकनीकियों का विस्तार करेंगे, जीवन और जगत के रहस्यों को समझेंगे। हमारे शरीर में भी सबसे ऊपर क्या है, बॉडी में सबसे ऊपर क्या है, इधर माइंड, ब्रेन, मस्तिष्क, और उस मस्तिष्क का मुख्य तत्व क्या है, ज्ञान। वैसे अब इसके ऊपर भी बड़ा अनुसंधान हो रहा है, एक है ब्रेन, स्ट्रक्चरल ब्रेन, फिजिकल ब्रेन जो भौतिक तत्वों से बना हुआ है, और उसके भीतर जो कॉन्शियस है,
उसके भीतर जो ज्ञान है, अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं, अनेक जन्मों के अच्छी बुरी जो उसके अंदर वासनाएं हैं, इसके बारे में अभी तक किसी को पता ही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने उसके संदर्भ में बहुत चिंतन किया है, लेकिन आधुनिक लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कॉन्शियस और उससे भी आगे जो सुपर कॉन्शियस, उसके बारे में तो अभी चिंतन ही शुरू नहीं हुआ है आधुनिक विज्ञान में। तीन बातें हमें ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान में पूरे निष्णात बनना है, इसी को कहते हैं विद्वान होना, विदुषी होना, वैदुष्य। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए बोलो? वैदुष्य, ज्ञान और विज्ञान के शिखर आरोहण हमें पाने। अब उसमें एक तो सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, मैथ है, साइंस है, ग्रामर है। मनुष्य के पास सबसे उत्कृष्ट तत्व क्या है? मनुष्य के पास सबसे बड़ा तत्व क्या है? ज्ञान है। बाकी तो बल तो हमसे ज्यादा भैंसे में होता है, हाथी में होता है, घोड़े में होता है, शेर में होता है। आप बल में, शरीर बल में आप हाथी का मुकाबला कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते, शरीर बल में नहीं कर सकते। हाँ, अपने बुद्धि बल से आप लाखों करोड़ों हाथियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये विशेषता मनुष्य। चलो आपको एक बात ये कही कि बुद्धि का विकास कैसे होगा। बुद्धि का विकास हो, जितना ज्यादा होगा उतने मनुष्य का विकास ज्यादा होगा। तो बुद्धि का विकास अध्ययन के तौर पर सबसे ज्यादा होता है टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने से। चार सब्जेक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो संस्कृत ग्रामर, मानवीय मस्तिष्क की अब तक की सबसे श्रेष्ठ रचना अष्टाध्यायी है, और ये हमें गौरव होना चाहिए कि उस अष्टाध्यायी को आप लोग पढ़ रहे हो। महर्षि पाणिनि की मानवीय मस्तिष्क की बुक्स के रूप में, किताबों के रूप में, ग्रंथों के रूप में अब तक की। वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए मैंने मानवीय मस्तिष्क को बोला। और मानवीय जो कोई किताब है, कोई बुक है, कोई ग्रंथ है, तो उसकी अब तक की सबसे श्रेष्ठ रचना क्या है बोलो? अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी। पाणिनि इसलिए जोड़ दिया कि वैसे तो अष्टाध्यायी लिखी उन्होंने है, तो पाणिनीय अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी। समास कर देंगे तो पाणिनि अष्टाध्यायी हो जाएगा, नहीं तो पाणिनीय अष्टाध्यायी हो जाएगा। तो अष्टाध्यायी पढ़ने से दिमाग तेज होता है। मैंने अपना दिमाग तेज किया तो अष्टाध्यायी पढ़ के किया। बहुत से लोग बोलते हैं स्वामी जी ने पढ़ा क्या है, स्वामी जी चाहे साइंस को भी जानते हैं, टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं, मैनेजमेंट को भी जानते हैं, बिजनेस को भी जानते हैं, पॉलिटिक्स को भी जानते हैं, एग्रीकल्चर भी जानते हैं, इंडस्ट्री को भी जानते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े कहाँ? हमने कहा हमने अष्टाध्यायी पढ़ ली, और जिसने अष्टाध्यायी पढ़ ली उसको सारे विषयों का ज्ञान बहुत सहज हो जाता है थोड़ी सी देर में। ये बहुत बड़ी बात कह रहा। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास किससे होता है? अष्टाध्यायी। तकनीकी विषय पढ़ने से, तकनीकी विषयों में सबसे सबसे श्रेष्ठ विषय वो अष्टाध्यायी। फिर दूसरा तकनीकी विषय है मैथ। दूसरा तकनीकी विषय क्या है? तीसरा तकनीकी विषय है साइंस। तीसरा तकनीकी विषय क्या है? अब साइंस का ही विस्तार या आविष्कार है कंप्यूटर, उससे भी मस्तिष्क का विकास होता है, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय हो चुका है अभी। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो चुका है अभी, वो भी उसी से ही जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ, उसी में प्रोग्रामिंग होती है उसकी। तो मैंने चार विषय कह दिए, इसलिए उसी बात को ठीक से कहने के लिए, अष्टाध्यायी पढ़ने से, मैथ पढ़ने से, साइंस पढ़ने से और कंप्यूटर, चार तो ये हो गए विषय का ज्ञान। इसको बोलते नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का विषय का बोध। और पांचवी बात है भाषाओं को के बोध होने से मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता है। आजकल सब माता पिता इसके ऊपर बारे में बड़े कॉन्शियस रहते हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज, वो कि मेरा बच्चा दुनिया का सबसे बुद्धिमान बच्चा हो, इसके लिए मुझे क्या क्या करना है, तो वो गूगल गुरु पर जाते हैं। आजकल एक गूगल गुरु हो गया है, एक तो गुरु आपके सामने है,
जो आपके गुरुजन हैं, आपके प्राचार्य जी, आचार्य जी, अपने श्रेष्ठ विद्वान सन्यासी गण, हम आपके गुरुओं की श्रेणी में हैं, है ना? एक दूसरा क्या गुरु हो गया आजकल? गूगल गुरु हो गया। कुछ भी लोग जानना चाहते हैं तो बोले गूगल करो। अब उस गूगल में आधा झूठ और आधा सच है, बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि विद्या के स्तर पर जिसमें से सबसे ज्यादा हमारे मस्तिष्क का विकास होता है वो पांच बातें बताई मैंने विद्या के द्वारा कैसे मस्तिष्क का विकास होता है। क्या क्या बताया सुंदरम जी? जिनसे मस्तिष्क का विकास होता है जोर से बोलो, इधर आओ। अब किसी से भी पूछ सकता हूं मैं ऐसे ही कार्यक्रम करता हूं जब बच्चों में रहता हूं, तो किसी को भी खड़ा करके पूछ लेता हूं कि जो मैंने कहा वो क्या कहा। तो पांच बातें बताई जिससे मस्तिष्क का विकास होता है विद्या के क्षेत्र में। अष्टाध्यायी। हाँ, तो एक तो तकनीकी ज्ञान है, तो सबसे बड़ी तकनीक है अष्टाध्यायी। दूसरा मैथ। तीसरा साइंस। चौथा कंप्यूटर। और पांचवा भाषाओं का ज्ञान। क्या बात है, जोरदार ताली। मैं बच्चों में जब होता हूं तब इसी तरह से सबको अलर्ट रखता हूं। ये तो हुआ विद्या से अपना विकास, इससे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हो रहा है। ये सारी दुनिया कर रही है ऐसे, तो फिर इसमें कुछ चीजें छूट गई है। वो दो बातें और बताना चाहता हूं जिससे मनुष्य के मस्तिष्क के विकास के होने के साथ साथ मनुष्य का और मनुष्यता का भी विकास होता है, वो दो बातें और बताना चाहता हूं। तो उसमें है एक योगाभ्यास। क्या है बोलो? योगाभ्यास। और इसमें भी योगाभ्यास में भी दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण घटक हैं, दो सबसे बड़े घटक कंपोनेंट, दो सबसे बड़े कंपोनेंट है। एक है प्राण विद्या। क्या है बोलो? प्राणविद्या। और दूसरी है ध्यान विद्या। दूसरी क्या है? अब योग विद्या में तो बहुत है, अष्टांग योग है, उसी को राजयोग कहते हैं, फिर उसमें क्रिया योग भी एक आता है, फिर उसमें समाधि योग है, उसमें विभूति योग है, उसमें हठ योग है, फिर उसी योग में ही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, बहुत कुछ है। ऐसे तो सारी वेद विद्या को, इस जीवन विद्या को योग विद्या भी कह देते हैं। तो उसमें से कौन से तत्व है भाई जो सबसे ज्यादा प्रभावी है मनुष्य? अभी मैंने बोला मस्तिष्क के विकास के साथ साथ और किसका विकास होगा? मनुष्य के मस्तिष्क के विकास के साथ साथ बाकी भी पता है आपको, सबको पता है, सबको मीन्स 99% को पता है, 1% लोग ध्यान नहीं दे रहे, उनको दिक्कत ही है। हाँ, मनुष्य के मस्तिष्क के साथ मनुष्यता का विकास होगा। क्या नाम आपका? विनीत जी के लिए अभिनंदन है। ऐसा ध्यान देना चाहिए अपने बड़ों की बातों का। बैठे बैठे अब यूं तो मैंने कई बार कहा हम कहां कहां से सीखते हैं, हमें नॉलेज कहां कहां से मिलता है। एक तो अपने भीतर से ही आता है, जिनका हमें गुरुओं से आता है, फिर प्रकृति से सीखते हैं, पूरी सृष्टि हमें सिखाती है, अनुभवों से सीखते हैं, और एक दिव्य ज्ञान का अवतरण जब हम योग की स्थिति में होते हैं तो अपने भीतर से आत्मा में परमात्मा ज्ञान देता है। न्यू इनोवेशन, इन्वेंशन, न्यू नॉलेज, नया ज्ञान कहां से उतरेगा? नया अनुसंधान कि भाई ये अब तक जो नहीं हुआ था धरती पर वो कर दिया इस व्यक्ति ने, तो किताब में जो है वो तो पुराना पढ़ते हैं हम लोग, अभी तक जो आविष्कार हो चुके हैं वही तो पढ़ेंगे ना। तो नया ज्ञान कहां से उतरेगा? वो ध्यान की पराकाष्ठा में उतरता है, एकाग्रता की पराकाष्ठा में उतरता है, भगवान के अनुग्रह से उतरता है। तो मैंने ये ज्ञान के ज्ञान हम कहां कहां से प्राप्त करते हैं तो अभी कौन बताएगा, किसको बताया जो अभी मैंने बताया? इतनी देर में मैंने ये बहुत गहरी बात बता दी, ज्ञान कहां कहां से आता है कौन बताएगा बोलो? प्रकृति से, ठीक, अंदर से, बहुत अच्छी बात, गुरुओं से, बहुत अच्छी बात, ध्यान से और अनुसंधान तो होगा। हाँ,
अनुभव से। तो दोनों ने मिलके पूरा कर दिया। क्या नाम आपका? अनंत और प्रहलाद जी। तो अपने भीतर ही अनंत ज्ञान है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत सामर्थ्य। चलो दोनों का अभिनंदन करो। इन्होंने ध्यान से सुना है ना, बैठ जाओ। तीन से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ व्यक्ति को याद नहीं रह पाती है, इसलिए हमेशा आपके साथ में नोटबुक रखते हैं। आपको मैं बोल रहा था, आपको बहुत महान बनना है, आपको जीवन में सफल बनना है, कामयाब बनना है, जीवन का प्रयोजन पूरा करना है, जीवन की उपयोगिता पूरी करनी है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे बड़ी उपयोगिता, जीवन का सबसे बड़ा पर्पज, द पर्पज ऑफ लाइफ, यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, ये बड़ी बातें हैं, ये साधारण बातें नहीं है। एंड व्हाट इज द रियल सक्सेस ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ। सक्सेस मंत्र, जीवन की सफलता की सूत्र क्या है। तो आपको ज्ञान के भी अभी पांच स्रोत, ये तो वैसे बता रहा था मैं, और ये बता रहा था विद्या के क्षेत्र में ज्ञान कैसे बढ़ता है, वो भी पांच स्रोत बताए। अभी ज्ञान के भी मुख्य पांच स्रोत आपको बताए। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास और मूलतः मनुष्य का और मनुष्यता का विकास पूरा कैसे होता है। बुद्धि का विकास तो बहुत लोगों को होता है, बहुत से लोग आतंकवादी भी हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनमें, काफी लोग बहुत नॉलेजफुल होकर के, बहुत पढ़ लिख करके आतंकवादी भी बने, लेकिन हमें आतंकवादी नहीं बनाने। खैर, तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि विद्या के क्षेत्र में कौन सी ऐसी पांच बातें जिनसे हमारी बुद्धि का विकास होता है, वो आपको बताया। और विद्याभ्यास के साथ फिर दूसरी बात बताई, योगाभ्यास से मनुष्य के बुद्धि का और साथ में मनुष्यता का विकास होता है। एक होता है मनुष्य के लिए विकास। अब मनुष्य के लिए विकास क्या है? बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, एयरप्लेन्स, सेटेलाइट्स, उसके लिए बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ जो मनुष्य अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने गति को और रफ्तार देने के लिए जो भी आविष्कार कर रहा है, ये सब क्या है? ये सब मनुष्य के लिए विकास है। किस किस के लिए विकास है? ये मनुष्य के लिए विकास है। तो क्या किसी के पास में बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा जहाज, अपना खुद का ही जहाज हो चलने के लिए, और वो खुद जो है सेटेलाइट में बैठ करके, अभी तो ऐसे भी अब बनाए जा रहे हैं सेटेलाइट के, अब चंद्र पर यात्रा होगी, उसके लिए तैयारियां हो चुकी है कि आपको चंद्रमा की भी यात्रा करनी है तो आपको लेकर के जाएंगे, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होंगे, एक आदमी को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं लेकर के जाएंगे घुमाने के लिए, उसमें पैसे खर्च होंगे। तो क्या किसी मनुष्य के पास में बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी जमीन जायदाद है, बहुत बड़ी गाड़ी है, उसके पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, उसकी बहुत बड़ी इनकम है, उसका एम्पायर बहुत बड़ा है, और उसके खुद के प्राइवेट प्लेन्स हैं, बहुत समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी उसके पास, तो क्या उसी से मनुष्य पूरा विकसित हो जाएगा? तो ये मनुष्य के लिए विकास हुआ। मनुष्य का विकास किससे होगा? उसके उसके अंदर से, उसके और अंदर को क्या कहेंगे? उसके आचरण से, उसके आचरण की दिव्यता से, श्रेष्ठता से, उसकी भीतर की मानवीयता से, जिसको आजकल मॉरल वैल्यूज कहने लग गए। क्या कहने लग गए बोलो? उसको ह्यूमन वैल्यूज कहने लग गए, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य कहने लग गए उन्हीं को क्या कहने लग गए? आध्यात्मिक मूल्य, स्पिरिचुअल वैल्यूज। उनसे अहिंसा से, नॉन वायलेंस से, व्यक्ति के अंदर अहिंसक होना चाहिए व्यक्ति। अहिंसक समृद्धि हो, अहिंसक संबंध हो, अहिंसक जीवन हो, अहिंसक आहार हो, अहिंसक व्यापार हो, अहिंसक व्यवहार हो, अहिंसा उसके मूल में, तो मनुष्य का विकास होगा और मनुष्य के मस्तिष्क का भी विकास होगा। मनुष्य के मस्तिष्क का और मनुष्यता का विकास होगा योगाभ्यास से। इसलिए पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों को, आचार्य कुलम के बच्चों को, पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों को ही नहीं, हम सारे संसार के स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ही नहीं, हम सारे संसार को चाहते हैं कि सारे संसार के लोग सुबह उठ करके योग करें, जिससे कि उनके बुद्धि का भी विकास हो और उनके भीतर की मानवता का भी विकास हो।